ये थोड़ा सा कोहणा का फूल है, इसे भी डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, खूब अच्छी तरह से चना आलू का सब्जी तैयार हो गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग घर का आंगन का सफाई करेंगे। ये थोड़ा सा चाय रोटी खा लेते हैं। ये सामने बहुत सारा झाड़ी हो गया, थोड़ा बहुत साफ कर देते हैं। ये रितु मालान तोड़ कर मदद कर दी है, और इधर थोड़ा सा बीन्स भी बचा हुआ है। और आज बनेगा चालना आलू का सब्जी और ये मालान का भुजिया, और उसकी मम्मी अभी नहाने जाएगी। और तब तक मैं ये आंगन जो थोड़ा बहुत झाड़ी है उसको साफ कर देते हैं। ये आरी ले लिए दोस्तों, ये सब बड़ा बड़ा वाला सब है ना, थोड़ा सा उखड़ने में दिक्कत तो है, बहुत ज़्यादा दिक्कत, टाइट है इसको, इसको काटना पड़ेगा। पहले हम इसको उखाड़ देते हैं, सब उखाड़ देते हैं, ये सब तो उखड़ जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इधर हम छील करके साफ कर दिए हैं। और ये तो फूल गच्छा है, इसको नहीं उखाड़ना है, कुछ दिन में इसमें फूल भी खिलेगा। इधर मैं थोड़ा बहुत उखाड़ करके साफ़ कर दिया हूँ, इस तरह भी पूरा झाड़ी हो गया था, यहाँ पर रख दिए हैं। एक दिन में पूरा तो साफ़ नहीं होता है, रोज़ रोज़ करके थोड़ा थोड़ा साफ़ करना होगा। तो अभी मैं नहाने चलता हूँ, पहले ये लकड़ी फाड़ देते हैं दोस्तों। दोस्तों हम नहा करके आ गए हैं, और अभी हम लोग सब्जी बनाने का तैयारी करेंगे। ये देख सकते हैं आप, पहले हम लोग चूल्हे को गोबर से लेप लगा लेते हैं, अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। ये यहाँ पर चना और आलू है दोस्तों, और इधर टमाटर है, और छौंका लगाने के लिए मिर्चा, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट को भी तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर कुछ तेल मसाला रखा हुआ है, अभी चूल्हे में आग लगा लेते हैं। सबसे पहले लग चुका है दोस्तों, अभी हम लोग कढ़ाई चढ़ा देते हैं। ये सरसों तेल डाल रहे हैं दोस्तों। तेल गरम हो चुका है दोस्तों, अभी इसमें हम लोग मिर्चा और प्याज का छौंका लगा दे रहे हैं। मिर्चा भुना चुका है, इसमें अभी अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल देते हैं। अभी हम लोग इसमें मसाला डाल देंगे। टमाटर को भी डाल देते हैं, नमक भी डाल दिए। ढक्कन लगा देते हैं कुछ देर के लिए मसाला, ताकि अच्छी तरह से पक जाए। मसाला रेडी हो चुका है दोस्तों, आलू और चना को डाल देते हैं। ये थोड़ा सा कोहणा का फूल है, इसे भी डाल देते हैं।
अभी इसमें पानी डाल देंगे। डाल दिए दोस्तों, और अभी हम लोग ढक्कन लगा करके इसे 5 मिनट तक कम से कम पका लेते हैं। ये ढक्कन लगा दिए हैं और इसे पकने देते हैं। जी तैयार हो गया होगा दोस्तों, ढक्कन उठा करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, खूब अच्छी तरह से चना आलू का सब्जी तैयार हो गया है। अभी हम लोग इसको उतार देंगे। दोस्तों बहुत दिनों बाद हम लोग चना और आलू का सब्जी बनाए और साथ में भिंडी और मलान का भुजिया बनाए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, चना और आलू का सब्जी, और इधर है आपका भिंडी और मलान का भुजिया। ये हम लोग का दोपहर का खाना है दोस्तों। चलिए अभी हम लोग खा लेते हैं।